यार रूम कहाँ ढूंढे, इसमें ट्राई करेंगे। हाँ चलो इस, अरे नहीं नहीं उसमें टू लेट लिखा हुआ है उसमें ना। हाँ, हाँ, वो उसमें वाले में। हाँ यार वो घर भी सही लग रहा है, बस सही है, लग रहा है देखने में। दे देगा अपने को ना, सही रहेगा अपने लिए। चलो ट्राई करते हैं, पूछ लेते हैं इसमें, ट्राई कर लेते हैं ना, सही रहेगा। मैं देख, कोई है क्या? हाँ भाई कौन है? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो टू लेट लिखा हुआ है, रूम रेंट पे मिल जाएगा क्या? हाँ आ जाओ अंदर, आ जाओ। अरे चलो आ जाओ। घर तो बढ़िया है, बैठ जाओ बेटे। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई। अंकल हम यहीं पास में जॉब करते हैं, तो हमें एक रेंट पे रूम चाहिए। अच्छा, तो दोनों बहन भाई साथ में ही जॉब करते हो? हाँ अंकल, हम बहन भाई नहीं है, हम दोस्त हैं, हम साथ में लिविंग में ही रहते हैं। अरे बिटिया, अरे बेटे, मैं वो लिविंग तो मैं जानता नहीं है, तुम दोनों के मम्मी पापा आके मेरे को बोल देंगे कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पे जॉब करते हैं, इनको रूम चाहिए, मैं रूम दे दूंगा, मेरे भी बस्ती हो जाएगी, मैं तो अकेला ही रहता हूँ घर में, क्या दिक्कत है? अरे अंकल घर वाले इजाजत नहीं देंगे, वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, अब उनको कौन समझाए कि अब लड़की लड़का साथ में रह रहे हैं तो कौन सा बम फट जाएगा। देखो बेटा वो मुझे नहीं पता, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा इजाजत नहीं देंगे मैं रूम नहीं दे सकता। अरे अंकल वो बात नहीं है, अगर हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे शादी का। और आप भी क्या पुराने ख्यालात वाली बात कर रहे हो अंकल। हाँ पुराने ख्यालात का तो हूँ मगर पुराने ख्यालात नहीं, अब तक हमने इंसानियत बचा रखी है। पुराने ख्यालात वालों ने आज तक किसी के 35 टुकड़े नहीं किए बेटा। ज्यादा से ज्यादा कोई समस्या भी हुई तो घर वालों ने आपस में बैठ के निपटा लिया, लड़की को नहीं निपटाया क्योंकि वो पुराने ख्याल आते हैं। सुन रही हो बेटा, माना कभी कभार रिश्ता टूट भी जाता है मगर यूं सांसों की डोर को नहीं तोड़ा। उनको पॉलीथीन फ्रिज चक्कू की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, क्योंकि वो पुराने ख्याल आते हैं। अगर परिवार की इज्जत को नीलाम करना, किसी को मार देना, यही नए ख्याल आते हैं तो फिर हमारे पुराने ख्याल आते ही अच्छे हैं। एक बात बता बेटा, तू तो नया ख्याल आता है ना, अगर तेरे बहन होती तो उसको भी तू ऐसे लिव इन में रहने देता? भाई लोगों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी को इस तरह मकान देने से पहले एक बार उनके मम्मी पापा से मिल लो, उनकी परमिशन मिल जाए तो आप जरूर दे दीजिए। आपका चंद रुपयों का लालच किसी लड़के या लड़की का जीवन समाप्त कर सकता है। हर जगह सरकार या पुलिस नहीं पहुंच सकती, लेकिन सच्चे भारतीय होने के नाते अपनी इस जिम्मेदारी को जरूर समझें और निभाएं। बाकी भारत एक स्वतंत्र देश है और आप स्वतंत्र नागरिक, जैसा आप लोगों को उचित लगे कीजिए। राम राम।